हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पे। जैसे कि गाइस, आज है हमारे गांव में शादी। तो आज जो हमारे गांव में शादी समारोह है एससी कैटेगरी के लोगों का, जो कि गौतम कास्ट के लोग हम उन्हें बोलते हैं। सो इनके रिवाज में एक अलग तरीके से शादी हमने मुझे देखने को मिला है। सो मुझे लगा क्यों ना ये शादी जो ये नए रिवाज से हो रही है वो आप लोगों के बीच में भी शेयर किया जाए। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का बस मेरा यही मकसद है और किसी के भी भावनाओं को, किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी विचार नहीं है। सो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, आप हमारी वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को एक लाइक करें, लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। ये जो आज की शादी होने वाली है ये बौद्ध धर्म के अनुसार शादी होगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार किस तरीके से शादियाँ होती हैं। अब ये पीछे जयमाला देख रहे हैं, इस जयमाले पर आज नए ढंग से शादी होगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। आपको एक गौतम बुद्ध की फ़ोटो दिख रही है और बाबा भीम की फ़ोटो दिख रही है। सो अभी हम आपको पीछे वाली बैक कैमरे से नज़ारा दिखाते हैं। और आज इसमें नए तरीके से शादी होगी। आपको वहाँ पर एक साउंड सिस्टम है, इधर से नहीं वो देखिए साउंड सिस्टम, उसमें अनाउंसिंग होगा जब ये शादियाँ होगी। तो ये है जयमाल, जयमाल काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। और देखिए इधर देखिए खाने का सारा स्टॉल लगा हुआ है और वहाँ पे देखिए कुछ लोग आके खा रहे हैं जो कि बाराती लोग हैं। और यहाँ पे सारी लाइटिंग सिस्टम, वहाँ देखिए गुब्बारे भी लगे हुए हैं, सारा डेकोरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ पड़ा है। तो ये शादी जो हमारे गांव के गौतम कास्ट के लोग हैं उनके यहाँ की ये शादियाँ हैं। सो ये अलग रिवाज से हो रही है और हमें भी देखने को मिल रहा है। सो गाइज, हम आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे गांव में इस तरीके से भी शादियाँ होती हैं। सो आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के भी गाँव में ऐसी शादियाँ होती हैं। आगमन करने का कष्ट करें क्योंकि आप ही के यहाँ देर है, बराती तो तैयार हुए बैठे हुए हैं। तो आप अपनी कन्या को तैयार करके जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी लाएंगे तो हमारा वैवाहिक कार्यक्रम उतना ही जल्द शुरुआत होगा। सो देखिए गाइज, यहाँ पे बौद्ध धर्म के रिवाज से जो शादियाँ होती है वो संपन्न होने जा रही है। सो बने रहिए आप लोग वीडियो पे और वीडियो को एक लाइक करें, लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक उनका पालन पोषण, राजसी ऐश्वर्य एवं वैभव के वातावरण में हुआ, उन्हें राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दी गई, परंतु बचपन से ही वे अत्यधिक चिंतनशील। अब जो है आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। नहीं नहीं, नीचे नीचे। आदियानि शिक्षा पदं समाधयामि, आदिन्य दाना वीरमणि, आदिन्य दाना वीरमणि, शिक्षा पदं समाधयामि, शिक्षा पदं समाधयामि, कामेशमिच्छाचारा वीरमणि, कामेशमिच्छा। श्री मानकर अपने प्रिय पुत्र नीतू कुमारी को, जिसका पालन पोषण आज तक हमने किया, आज से उपासक अरविंद कुमार जी को उनकी पुत्र वधू के रूप में
समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। साधु श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व मुझे चंद्रसेन अपनी पुत्री को सौंपा है उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री का पालन पोषण हमेशा अपनी पुत्री के समान ही करूंगा तथा उसका हर प्रकार से ध्यान रखूंगा। यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध हमारे दोनों परिवारों के सुख समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। अभी सामने शादी संपन्न हो रही है, जयमान रही है। अब देखिए जो बार मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूँगा। और स्त्री गमन मादक द्रव्यों के सेवन जुआ शराब आदि से निरत रहकर अपनी पत्नी का विश्वास पत्र बनने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं इसे संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ स्वीकार करता हूँ। भगवान बुद्ध और बोधिसत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं ग्रहण की है उनका जीवन भर पालन करूँगा। साधु तथा अन्य संबंधियों भले प्रकार देखभाल करूंगी तथा सभी के अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने आपको मिथ्याचार कामाचार पर पुरुष गमन आदि से दूर रखकर अपने पति की विश्वास पात्र बनकर रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति द्वारा उपार्जित धन दौलत घर की अन्य संपत्ति की सदा रक्षा करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ, दूसरी और तीसरी बार भी ये पांचों प्रतिज्ञाएं करती हूँ और वचन देती हूँ कि जीवन भर सत्यनिष्ठा से उन
का पालन करूंगी। मैं आज से उपासक अनिल कुमार जी को अपने धम्म पते स्वीकार करती हूँ। मैं पुनः भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देती हूँ कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उनका जीवन भर पालन करूंगी। साधु साधु साधु। अरे अनिल कुमार जी कन्या धीरे दिया सामने देखिए, दोनों लोग सामने देखिए। हाँ छोड़ दीजिए तो पति पत्नी हो गए हैं और आज से अब दोनों लोग जो है जो लोग थोड़ा से जो मजबूत हैं उस चेयर को आते हैं। अरे जो है आशीर्वाद का जो कार्यक्रम है उसको हम बढ़ा देते हैं। सो गाइस आप बहुत धर्म वाले शादी संपन्न हो चुकी है। अरे जो जमा वाला है क्या आप लोगों के भी गांव में आप लोगों के भी यहाँ पे ये बौद्ध धर्म से शादियाँ होती हैं? अगर होती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, प्रेस करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ताकि नए नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो पर के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ।